हेलो दीदी, मेरे को ना मेकअप करवाना है इस टाइप का। ये तो राधे माँ है ना। हाँ जी, राधे माँ वाला लुक चाहिए बिल्कुल मेरे को, तो आप कर दीजिए। राधे माँ वाला लुक जी? हाँ, कोविड में नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि सारे कोई ना कोई अवतार लेके ना फिर हम प्रे करेंगे। तो आपको राधे माँ ही मिली थी अवतार लेने के लिए? नहीं, एक्चुअली ये अच्छी पर्सनालिटी कहलाई जाती है, तो सब अपने हिसाब से, तो मुझे लगा कि मुझे ये करवाना चाहिए। फिर हम सीरियसली, हाँ, फिर हम गैदर होंगे एक जगह पे सब अपने अपने अवतार में। अच्छा अच्छा जी, तो चलो अच्छी बात है, मुझे भी इनवाइट करना वहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपको इनवाइट करूँगी, तो आज शाम को ही है जो, जैसे हम एक जगह भी थोड़ा सा गैदर होंगे तो आप आ जाइएगा। वहाँ टेस्ट वगैरह करा के तो नहीं आता होता कोविड? नहीं, 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 नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गैदरिंग के लिए आपको अलाउड है? हाँ, हम ये प्राइवेटली कर रहे हैं। चुपके से, किसी को खबर ना लगे। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। हाँ, 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 तो आप बिल्कुल इस टाइप से कर दीजिए। आपने देखा नहीं, गेटअप मैंने बिल्कुल वैसे ही कैरी किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल रेड रेड। हाँ, तो आप मेरा ऐसा कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आपने मुझे प्राइस नहीं बताया कि आप प्राइस चार्ज करेंगे आप इसका। 3000 बोल रही हूँ मैं तो। थोड़ा कम कर लो, 2000 में कर लो ना। अभी तो आप 2500 बोले थे, आप 2000 पे आ गए, बताओ। अच्छा ठीक है, चलो 2500 में डन करते हैं। चलो ठीक है 2500। बाकी आप इवनिंग में सच में आएंगे? अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया था। ओके, कोविड चल रहा है, हम कैसे आ सकते हैं। ठीक है ठीक। मेरी तो फिर फैमिली भी है, मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती है, तो पार्लर का ही काम बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो वो बोलेंगे मेरे घर में कोविड आ गया। नहीं नहीं ठीक है, आप फिर स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी ठीक है ठीक है। ये मैंने यहाँ रखा हुआ, आप देख के वैसा कर दीजिए। नहीं नहीं, मैंने एक बार देख लिया बस, अब मैं कर लूँगी। ओके डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा सा जो आप पार्लर चला रहे हैं, कोई आया नहीं आपको बंद कराने के लिए? अरे नहीं, अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो सही चल रहा है एकदम। आपके जैसे भी आते ही रहते हैं। रियली? चलो अच्छा। मेरे यहाँ का रेफरेंस किसने दिया है? मेरी फ्रेंड, उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला था कि वाला पार्लर खुला होगा इस टाइम पे। ग्रेटली मैं तो ये कहती हूँ, भगवान की दुआ से आप लोग को साथ मेरे को मिलना हो गया। क्वेश्चंस लेते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि हमारा पार्लर भी सही रहे और मेरे कस्टमर भी सही रहे। हाँ, अब क्या करें, लॉकडाउन में बड़ा प्रॉब्लम है। मैं वही सोच रही थी कौन ऐसा पार्लर होगा, कौन सा ऐसा पार्लर होगा जो खुला हुआ होगा, और बस आए, बस मेरी भगवान ने सुन ली और आपसे मेरा मेल करवा दिया। सही बात है, राधे माँ की कृपा है थी। हाँ, राधे माँ की कृपा है। पता नहीं आपको राधे माई की मिली तो और अवतार ले लेते तो अच्छा लगता। अपना क्या होता है ना, किसी के किसी से यानी कि भी अच्छा लगता है कोई कैरेक्टर या कोई गॉड। राधे माँ, उसको तो मेरी फैमिली में कोई पसंद नहीं करता। हाँ, काफी लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं और काफी लोग लाइक भी करते हैं। और आप क्या करती हो? मैं यूट्यूबिंग करती हूँ, तभी मैंने आपसे थोड़ा सा परमिशन ली थी मैं वीडियो कैप्चर कर लूँ ताकि ये याद रहे, ताकि ये याद रहे मोमेंट। आपको एडवाइस किसने किया था राधे माँ का अवतार बनाने के लिए? ये एक्चुअली मेरे ना सपने में आई थी राधे माँ। आपको यही करेक्टर मिला था सपने में? हाँ, मेरे ड्रीम में आई थी, बोल रही थी तुम भी मेरे जैसी बन जाओ और उसके बाद मैं ब्लेसिंग दूंगी। अच्छा, तो आपने ये ब्लेसिंग्स लेने के लिए सारा ड्रामा करा? ना, मैं चाहती हूँ कि भी चलो जो चीज़ अगर मेरे से हो सकती है मैं वो करूँ, पॉसिबिलिटीज जो मेरे से हो सकता है बेस्ट, तो मेरे को लगा कि मेरे को मेकअप कराना चाहिए। राधे माँ बन के कोई ब्लेसिंग्स दे सकता है या ले सकता है? नहीं नहीं, ये कैसी पर्सनैलिटी है बताओ, एक बिंदा लगा लो, लाल साड़ी पहन लो, है ये आपको पसंद नहीं आया क्या ये करेक्टर मेरा? अरे ये बाबा बूबा और ये राधे माँ, इन सब से तो ना जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना वो दूर ही रहते हैं, और मैं तो बिल्कुल दूर रहती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है ये राधे माँ।
अरे बाबा बुबा आसाराम, मैं समझ गई आपकी भावनाओं को। लगता है आपको भी बड़ी ठेस पहुंची है। कोई आपके भी कोई गुरु थे क्या? कोई आप आसाराम को या उसको? मेरे गुरु नहीं थे, मेरे ससुर के गुरु जी हैं। अच्छा, अब उनके चक्कर में हमें भी उनके साथ जाना पड़ता है। आपको बता नहीं सकते कि कितना हम लोग टॉर्चर होते हैं वहाँ जाके, कितना टॉर्चर होते हैं। एक तो पैसे भी हम ही खर्च, और उसके बाद बोलते हैं हम ये करते हैं, हम ये चमत्कार करते हैं, आप ऐसे करो वैसे करो, फलाना ढिकाना। तो आपके वो जो जिस जहाँ पे आप जाते हो, अब कौन है गुरु जी का नाम क्या है? गुरु जी का नाम मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं इन सब चीज़ों में, ना मेरे हस्बैंड को है। हम तो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, बस अपने ससुर की मैं इज्जत करती हूँ, उनके साथ चले जाते हैं बस। इज्जत की वजह से? हाँ, इज्जत की वजह से। उनको ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, अदरवाइज अब क्या ही बोल सकते हैं ये राधे। हाँ, मैं समझ गई आपकी भावना। हम ये प्रोफेशनल लाइफ में राधे माँ बताओ, सीरियसली मैं तो आपको देख के इतना शॉक्ड हो रही हूँ कि आप बताओ ये राधे माँ। नहीं, अगर मेरे सपने में नहीं आया होता ना, तो फिर मैं शायद ना बनती, और शायद मैं कुछ आप भी एक अनोखे टाइप के, मतलब वो कि सपने में राधे माँ आई है, तो आप उनको क्या कभी आपके सपने में भगवान वगैरह नहीं आए? उन्हें तो आपने कभी किया नहीं होगा, ये राधे माँ का कर रहे हो आप। राधे माँ किसका अवतार है मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो अपना ही अनोखा अवतार लेके बैठी हुई है। अब चलो, मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट भी कर ही लूँ, रिस्क में ही एक वो है ना कामयाबी है, मैं ये कहती हूँ। देखो अभी इतना बुरा टाइम चल रहा है, अगर ये चीज़ हुई है तो अगर मैं वो बन के, हो सकता है कुछ मिरेकल हो जाए शायद, तो फिर मैं आऊँगी आपके पास मिरेकल बताने के लिए कि हाँ ऐसा हुआ था, आपने मेरा मेकअप किया था, हो सकता है आपका पार्लर उसी वजह से फेमस भी हो जाए। आप ही होगे ना फिर वन द वन एंड ओनली जिन्होंने इतना रिस्क उठा के ऐसे टाइम पे कोरोना काल में मेकअप किया था, मेरे को वो अवतार देने की कोशिश की थी। आप मेरा रेफरेंस जरूर देना अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को। हाँ, प्लीज ये राधे माँ वाले अवतार मत लीजिए, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, कोई ब्राइडल मेकअप कराना चाहता हो या फिर कोई वैसा मतलब कोई पार्टी टाइप का मेकअप कराना चाहता हो वैसा। ओके, हाँ क्या पता आप मेरा मेकअप कर रहे हो, तो हो सकता है राधे माँ आपके सपने में आ जाए। राधे माँ मेरे सपने में? हाँ, क्योंकि अरे आप तुमने मेरे भक्त का मेकअप किया हो जाएगी, मेरे भक्त का मेकअप किया था, और मैं तुम्हें ब्लेसिंग देके जाती हूँ या कुछ ऐसा करके। नहीं, ब्लेसिंग तो मुझे सिर्फ अपने ऊपर वाले की चाहिए, भोले बाबा की, मुझे राधे माँ जैसे इंसान की नहीं चाहिए। काफी फ्रस्ट्रेटेड लगते हो आप ऐसे बाबाओं से। हाँ हाँ, वैसे भी इस जनरेशन में लोगों ने धंधा बना रखा है राधे माँ, ये तो है। सीरियसली मुझे अपने करियर में ना ये राधे माँ जरूर याद रहेंगी कि मेरी एक कस्टमर आई थी जिन्हें राधे माँ सपने में आई, और वो इतनी इंस्पायर हुई उस सपने से। एक समय करना, थोड़ा सा मेकअप पे भी फोकस रखो ना, अभी बातें नहीं करनी चाहिए। आप बिना सच में कोई सेलिब्रिटी का लेकर आते आप कि आपको इसका लुक बनवाना है, तब तक मैं मान लूंगी। चलो कोई नहीं, वो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी, आप पहले अभी ये वाला मेरे को जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कर दो। अच्छा, तो फिर आपका प्रोग्राम किस तरह है, वहाँ जाके सिर्फ जगराता करना है या फिर आप लोगों का? नहीं, वहाँ जाके हम सारे जो भी इस टाइप के अवतार होंगे वहाँ सारे जाएंगे, ब्लेसिंग्स एक दूसरे को देंगे लेंगे, दैट्स इट। ब्लेसिंग्स और लेना देना ही काम करना आप लोगों ने। सीरियसली कितना फनी है ना ये। सही बात है, लॉकडाउन है, चलो कोई नहीं, आप ऐसा भी काम कर सकते हो, मनोरंजन तो करना है। देखो नहीं, मनोरंजन नहीं, ठीक है। आपको फेशियल वगैरह करवाना हो ना तो आप आ सकते हैं, अभी अभी मेरे पास बहुत टाइम रहता है, नहीं तो है ना जब कोविड नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, बहुत ज़्यादा बिजी, टाइम ही नहीं मिलता था, अपॉइंटमेंट लेकर आते थे सारे लोग। ओके, अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि बिना अपॉइंटमेंट के आके खड़े हो जाते हैं, मैम मेरी आईब्रो बना दो। हाँ, काफ़ी लॉस हुआ होगा आपको अभी इस दौरान।
लॉस तो मुझे बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे रिकवरी करना आता है। मैंने रिकवरी भी कर ली थी अच्छे से। और क्या, आपको क्या पता, आप बिजनेस करना था फिर अपने प्रॉफिट भी तो बनाने पड़ेंगे ना। आप तो ये बात समझ ही सकते हो, आप तो यूट्यूबर हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत करी है। कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ी आपसे इंस्पायर हो रही हूँ। डोंट वरी डोंट वरी, राधे माँ बनने के लिए इंस्पायर नहीं हो रही। हाँ मुझे वही लगा। क्या आप भी फिर ऐसे मेकअप्स वगैरह करेंगी स्टार्ट? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो बस प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए बोल रही हूँ मैं। क्योंकि ऐसा थॉट मुझे भी आता है, मैं अप्लाई किया करूँगी। मुझे तो सपने भी आते हैं। है? अरे हाँ, कि लोगों को कैसे हम लोग ऐसी चीजें आगे रखें कि वो लोग खुद से बोले कि हाँ मैडम हमें आपके पार्लर में आके बहुत हैप्पीनेस मिलती है, हम आपके पार्लर से अपना सारा काम करवाएंगे, पैकेज लेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी है ना सब पैकेज लें। पैकेज में ही आपको फायदा है। हाँ तो फिर आप बताइए आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं। I mean, मैं लूंगी अभी, पहले राधे माँ कंप्लीट हो जाए ना, कल परसों में आके पैकेज ले लूंगी। अरे आप अभी बता दीजिए ना, आपका कुछ पता थोड़ी ना, आप राधे माँ के उसमें इतना मगन हो जाए कि बाद में आए ना। नहीं नहीं मैं जरूर आऊंगी, आप ऐसे चिंता मत करो। और एक तो वैसे भी आप सोशल गैदरिंग करने के लिए जा रहे हो, पता नहीं भगवान जाने क्या होगा वहाँ पे। नहीं नहीं मैं मास्क लगा के जाऊंगी ना, मेकअप के बाद उसके ऊपर से मास्क लगा लूंगी। नहीं आप तो मास्क लगा लोगे, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है जहाँ पर इतने सारे लोग हो ना वहाँ पर कितना भी प्रोटेक्शन कर लें। खैर छोड़ो, अब आपको मैं क्या ही बोलूँ, आप तो वैसे ही इतने इंस्पायर्ड हो रखे हो कि अभी आपको कुछ भी समझाना बेकार है। ऐसा नहीं बट यस, राधे माँ की कृपा है सब बच्चे रहेंगे। भगवान को नहीं मानते क्या? नहीं नहीं मैं सबको मानती हूँ। पूजा पाठ करते हो? हाँ हाँ बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, हम भी औरों की तरह ही हैं। पूजा पाठ भी बिल्कुल करते हैं। चलो अच्छी बात है, मैं आपसे बात सुन के बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मेरे यहाँ जो लड़कियाँ काम करती हैं ना, उनको तो अपने बॉयफ्रेंड से ही नहीं चाहिए। अच्छा और क्या, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना। आप समझ नहीं सकती उनके साथ क्या होता है, फोनों में लगी रहेंगी। अच्छा ये सब आप नोट करते हैं? अरे करना पड़ता है, क्या बताऊँ मैं आपको, कभी कभी तो मैं उनकी चैट ही देख लेती हूँ। ऐसे ऐसे आप ऐसे भी करते हो? अरे किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हो? नहीं किसी का फोन खोल के थोड़ी ना देखूंगी, वो ऐसे मगन होती है चैट में, फोन रख के अपना काम करने लग जाती है। और फोन देते देते कुछ तो दिख ही जाता है। और आप घुस जाते हो उनकी चैटों में? अरे कभी रिप्लाई तो नहीं कर देते आप? अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना किसी की रिप्लाई कर देते। क्या पता चले आप ही ब्रेकअप करा दो उनका वहाँ से, आई हेट यू लिख के। मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, ये अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखनी चाहिए प्रोफेशनल लाइफ से। बट इन्हें तो अपने बॉयफ्रेंडों से छुटकारा नहीं मिलता, तभी तो 5-5 हज़ार में अभी तक काम कर रही है ये। हाँ। कुछ अच्छा करें तब तो। अरे आपको बता नहीं सकती, इन लोगों को अगर एक बार बोल दो ना कि वो कस्टमर आया उनके आईब्रो बना दो, 10 लुक्स निकाल देंगी। मैडम नहीं आप ही बनाओ उनकी आईब्रो जाकर। हे वो तो ऐसे बोलती है, तो वो वैसे बोलते कि हम तो मैडम से ही करवाएंगे, हम तो मैडम से ही करवाएंगे। अरे पता नहीं ये कब सीखेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आता। ये क्या है? ये है आपका इम्प्योरिटी। शक्कर क्या ना, इम्प्योरिटी जो होती है ना गालों पर, वो शक्कर लेता है। Oh my God. Seriously, ये बहुत अच्छे से शक्कर करता है। कहाँ से यंत्र मंगाया है आपने? ये हमारी एक स्पेशल शॉप है, मैं सॉरी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। क्यों? मैं ना ले लू ये वहाँ से। अरे नहीं आप यहाँ आइए, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। करंट तो नहीं मारते? अरे नहीं नहीं देखिए जी ना, ये इलेक्ट्रिक नहीं है। माय गॉड, मैंने पहले ऐसा कोई यंत्र नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप मेरे पार्लर में आए हो, यहाँ पर आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही आप मेरे मुंह पे डाल रहे हो पाउडर? आपने राधे माँ को देखा है ना, उनका चेहरा कैसे ग्लो करता है, वैसे आपके चेहरे को थोड़ा सा ग्लो करना पड़ेगा, तभी तो आप राधे माँ लगेंगी ना। क्या करें, आपने लुक भी राधे माँ का लिया हुआ है।
नेक पे तो कवर ही नहीं किया मेकअप। अरे इतना सारा मेकअप यूज हो रहा है इसमें, गले में लगाने का ना एक्स्ट्रा चार्जेस है। व्हाट, गले का एक्स्ट्रा चार्ज तो कोई नहीं करता। अरे आप देखो ना राधे माँ को इतना सारा मेकअप लगाना पड़ रहा है, उनको देखो कितना सारा थोपा पड़ा है उसके मुंह पे। अब आपके अभी मेरे को इतना ही थोपना पड़ेगा। तो फिर आप क्या चार्ज करेंगे नेक के लिए? मैक्सिमम 500। आप तो कोरोना काल में बहुत ज्यादा लालच दिखा रहे हो। मैं अपनी अच्छा 100 रुपए ले लूँ ना नेक के? अरे आप कैसी बात कर रहे हो 100 रुपए हैं? मेरा मेक मतलब जो मैं इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो जो मेरे खत्म हो रहे हैं, हाँ वो कौन उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ हम ही करेंगे भरपाई, आप कस्टमर से तो कराते हैं भरपाई। तो और क्या, सही बात है, कस्टमर से ही भरपाई करवा सकते हैं, और कैसे करेंगे? ठीक है ऐसा करो, आपकी ना मेरी 350। नहीं आप सब्जी बेच रही हूँ। अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी 500, आप मेकअप करो। हाँ। ऐसा करो, नहीं नहीं रहने दो, फिर मेरे को नेक का करवाने, नेक में मैं ज्वेलरी पहन लूंगी तो मेरी बचत हो जाएगी वहां से पैसों की। हाँ ठीक है जैसी आपकी मर्जी, मेरे को थोड़ी ना अपना मेकअप फालतू में वेस्ट करना है। पार्लर में वैसे होती तो अच्छी कमाई होगी, क्यों आप ही को लगता है अच्छी कमाई होती है? आपको पता कैसे बताऊं कि कितने जतन करने पड़ते हैं अच्छी कमाई करने के लिए? अच्छा, और वैसे भी ऐसे हाई रिस्क में आप पार्लर खोल के बैठे हैं। हाँ बस आप ना ये बात किसी को बताना मत, अगर बतानी तो क्या फिर मेरे को अंदर कर देंगे जेल के? तो फिर आप मेरे छुड़ाने आओगे? तो आप फिर मेरे को डिस्काउंट दो ना, नहीं तो मैं बता दूंगी। तो मैं भी बता दूंगी फिर। अच्छा मजाक कर रही हूँ। कि आप सोशल गैदरिंग करने जा रहे हो कोविड, बट मैंने आपको एड्रेस नहीं बताया, तो आप पहुंचोगे कैसे? कोई बात नहीं, आप जानते नहीं हो मेरी फैमिली की पहुंच। अच्छा अगर मेरे खिलाफ किसी ने कुछ करने की साजिश करी ना तो मेरी फैमिली है ना उसे छोड़ेगी नहीं। ओह माय गॉड, आप तो बड़ी खतरनाक निकली। अरे मैं खतरनाक नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे ससुर है खतरनाक। हाँ मैं जोक मार रही थी, आप सीरियसली मत हो ना। आपको मेकअप करवाना है कि ये मैं आपको आधे में ही भेज दूँ? नहीं नहीं आप मेकअप कीजिए। देखो आपको इतना सुंदर मेकअप कर रही हूँ लेकिन आप फिर भी इस तरह की बातें करने में लगे हैं। नहीं नहीं आप करो मेकअप करो। वो तो करूंगी ही अब। 2 hours later रेड लुक नहीं आ रहा, रुको मैं जुगाड़ करती हूँ। आप कौन सा जुगाड़ कर रही हो? अरे आप देखिए ना मैं कैसा जुगाड़ करूंगी अभी। आज आपको राधे माँ ने मैंने बना दिया तो मेरा नाम भी, सॉरी नाम नहीं बताऊंगी। क्यों ब्रश तो मुझे पेंट वाला लग रहा है। हाँ जुगाड़ कर रही हूँ, देख लीजिए बट जुगाड़ भी मेरा कितना अच्छा। क्यों आपके पास ब्रश नहीं है? अरे वो ब्रश है ना टूट गया, इसलिए मेरे बच्चे है ना जिस ब्रश से पेंट करते हैं ना। अब तो अरे मैंने दो रखी है, मैंने बहुत अच्छे से धोया, थोड़ा सा ऐसे करी लो। अरे थोड़ा ऐसे करिए ना, आप गुंडी थी क्या पिछले जन्म में? क्यों आप क्या मेरे पिछले जन्म में होकर आई? मुझे लगता है नहीं, वो थोड़ा सा अपने ससुर का ना असर आ जाता है कभी कभी। अब ऐसे करिए। वाओ व्हाट अ ट्रिक, आप ऐसे कितनी लिपस्टिक बचा लेती होंगी ना। हाँ और क्या, इस मैंने आपसे कहा था ना कि बिजनेस ऐसे नहीं होता, कंजूसी से होता है। नहीं कंजूसी से नहीं होता, ये ट्रिक होती है।
जिससे लग भी जाता और पता भी नहीं चलता। कंजूसी नहीं बोलते इसको, बोलते हैं बिजनेस वुमन का काम। हाँ, तभी अपने अपने बच्चों के ब्रश से एक तीर से दो निशाने हैं। अभी बच्चों को दे दो बस वो पेंट करने के लिए। हाँ, हाँ? जब हाँ हाँ मैं अभी इसे क्लीन करूंगी फिर वो अपनी पेंट कर लेंगे बच्चे। वैसे करिए हो गया। आपके घर में कौन कौन है? सारे जो होने चाहिए। होने को तो बहुत कोई 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 को होता है। आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? मदर, ब्रदर, भाभी। अभी एक फंक्शन निकलेगा ना, तो अभी एक फंक्शन आने वाला है हमारा। अभी थोड़ा सा चीज़ें स्टेबल हो जाए तो फिर मैं लेके आऊँगी, पूरी फैमिली को ही लेके आऊँगी। हाँ हाँ पूरी फैमिली को लेके आऊँगी। वाह क्या टीका लगा है, परफेक्ट। ये तो हमारी क्वालिटी है। मुझे लग रहा है ये टीका थोड़ा सा छोटा नहीं है। नहीं आपके फेस के हिसाब से ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से हेयर्स भी आएंगे ना आपके। ओके ठीक है ठीक है। वो आप जानो क्या मिसिंग हो सकता है? थोड़ा सा रेडिश रेडिश कम हो रहा है। आईज थोड़ा सा क्लोज करना जरा। हाँ आपके आई शेडो रेड कलर की होनी चाहिए। वन सेकेंड आप भी कहोगे मेरे पार्लर की तारीफ करेगा आज। हाँ वो तो करोगे। मुझे लग रहा है कि आज हम वहाँ जाके मेरे बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सेल्फी लेके जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी कि किसी और को भी कोई अवतार लेना हो तो यहाँ कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच, बहुत स्वीट है। कि वहाँ जाके आप झुनझुना भी बजाने वाले हो। हाँ झुनझुना गुंजना, जो जैसे आपके पास ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट थे, हमारे पास भी तो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो तो सब बजाएंगे। दो मिनट का ना नोज का रह गया हुआ है। आप कुछ नोज पिन वगैरह लेकर आए? नहीं नोज पिन नहीं लाई मैं। बताओ आपको इंस्पायरिंग राधे माँ का मेकअप करवाना है और आपको उनकी नोज का नहीं पता कि वो नोज में कैसे पहनती हैं। थोड़ा जल्दी में हुआ ना सब, तो मेरे को जो जो सामान मिला मैं ले आई, लाइक जूड़ी का वो रह गया। लोग है ना सामान ले जाते हैं फिर वापस नहीं करते, और फिर उन्हें मेकअप भी सस्ते में करवाना होता है। चलो कोई नहीं मैं जुगाड़ कर सकती हूँ। अच्छा आपके पास है जुगाड़? अब मेरे यहाँ इंस्ट्रूमेंट मिल सकते तो क्या जुगाड़ नहीं होगा? होगा है ना, होगा ना। कौन सा यंत्र लगा रहे हो आप मेरे नाक पे? वो मत देखो, आप इसकी शो देखो कितनी अच्छी आई है। ये तो आपने बिंदी चिपका डाली मेरी नाक पे। अरे ये बिंदी नहीं है, ये है ना आर्टिफिशियल नोज पिन है। जिन जो लोग अपने साथ नोज पिन वगैरह नहीं लेके आते मैं उनको ये लगा देती हूँ, बट ये वापस कर देना, ये बहुत महंगी आती है। अच्छा हाँ हाँ मैं वापस कर दूँगी। हाँ वापस कर देना। ओके सारे कस्टमर ऐसे ही होते हैं।
फ्री में भी एक अलग ही मजा होता है जो फ्री की चीजें मिलती है, लाइक उसमें एक अलग ही एहसास होता है। सही बोल रहे हो, तभी तो मुझे ज्यादा चार्ज बताना पड़ता है। अच्छा मुझे भी तो कवरेज चाहिए। आप भी छाने हो यानी क्या, पहले ही दो कदम पहले ही आगे होते हो। अरे कस्टमर ऐसे काम करते तो फिर हमें पहले से सतर्क रहना पड़ता है ना। ट्रू, बहुत छाने हो आप भी। ये आपके पार्लर का नाम शकुंतला पार्लर है तो शकुंतला आपका नाम है? नहीं नहीं, शकुंतला मेरी बहन का नाम। व्हाट, शकुंतला इतना लंबा नाम, वो भी बिल्ली का? हाँ हाँ, मेरी सास गुजर गई थी तो हमारे घर में कैट आई, तो हम चाहते थे कि हमारे घर में हमारी सास किसी ना किसी रूप में जिंदा रहे, तो इसलिए हमने उसका नाम शकुंतला रख दिया। अब उसको हम शक्कू शक्कू बोलते हैं। शक्कू? हाँ। और नाम भी आपने फिर उसका शकुंतला रख दिया। तो आपका नाम क्या है फिर? मेरा नाम आपने बताया नहीं उस टाइम पे भी, मैंने आप कह रहे नहीं बताऊंगी क्या आई मीन। अरे आप ना शॉक्ड हो जाओगे मेरा नाम। क्यों? मेरा नाम ना राधे मन। राधे मन? हाँ। वाह रे वाह, क्या कह रहे हो, मैं आई मीन सच में। हाँ मेरा नाम राधे मन। तभी देखो ना, अब आप खुद देखो राधे माँ का लुक यहाँ पे, लेकिन साक्षात राधे, जो राधे मन ही या आप मैन हटा दो तो ऑब्वियसली माँ ही बन जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप भी उन्हीं का ही अवतार हो, आप उन्हीं का ही अवतार हो, मानो ना मानो। सुनो ना मेरी बात, उस पर्सनालिटी के साथ मैं अपना नाम नहीं जोड़ सकती। क्यों क्यों क्यों? अब समझा करो ना, मैं इतनी अच्छा, मैं पार्लर चला रही हूँ, मैं एक मतलब मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है, मैं इसकी तरह थोड़ी ना लोगों को ठगती हूँ, मैं यहाँ पर ईमानदारी का काम करके पैसा कमा रही हूँ, आप मेरा राधे माँ के साथ नाम जोड़। पर आपका नाम बहुत ही मैच होता, देखो यहाँ पे भी कृपा ही कृपा है राधे माँ की, मेरा जो मेकअप करे साक्षात राधे माँ ही आई हुई है। सच में देखो, मेरे को कल सपने में दिखी और आज साक्षात वो आ गई है मुझे वो अवतार देने के लिए। ये कैसा कस्टमर भेजा, ऐसे इंस्पायर हुआ कि मुझे राधे माँ समझ। चलो अब आपका ना हेयर स्टाइल बनाना है। हाँ जल्दी से कर दो, बहुत सारा टाइम लग गया है मेरे को, और भी काम है, मेरे बच्चे भूखे रह गए हैं, खाना बना। हाँ और आपकी शक्कू भी। पता नहीं है मेरी शक्कू कितनी स्मार्ट है, उसका खाना उसको पता है कहाँ रखा हो अपना खाना। हाँ सास का अवतार है ना वो तो। हाँ सही बोला सही बोला, हमारे खाने से पहले पता मुझे उसको खाना खिलाना पड़ता है। ओ रियली? हाँ मेरी सास है ना। अच्छा। मैंने बताया ना वो मेरी सास है। ये क्या कर रहे हो? वो मेरे पास है ना घोंसला नहीं है, तो मेरे को आज जुगाड़ से ना हैंकी डालना पड़ेगा आपके सारे में। जुगाड़ मेरे पे यानी हैंकी सर पे मेरा टंगा हो गया। अरे आप डोंट वरी, बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, सीरियसली करो। मैं पार्लर चला रही हूँ तो इतना तो मैं प्रोफेशनल हूँ ना कि अगर कोई भी जुगाड़ करूंगी। बहुत प्रोफेशनल हो आप, मैंने देख लिया। क्या हो गया, पेन हो रहा है क्या? हाँ अब हैंगी घुसाओगे पफ की जगह तो यही होगा। अरे मैं इतनी आराम से काम कर रही हूँ, बताओ आपका कोविड के टाइम पे मैं आपको पफ बना के दे रही हूँ राधे माँ जैसा, और उसमें भी अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये तो पहाड़ ज्यादा लग रहा है। अरे तो राधे माँ का देखो ना, उसका कौन सा पत्थर है, उसका भी तो पहाड़ ही है। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं टिका दिया? देखिए कितना सुंदर आपका पफ बना है, और आप हैंकी तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा।
अब हैंकी के भी तो चार्ज नहीं करोगे क्या, या उसके भी चार्ज लगाओगे? नहीं, वो जुगाड़ किया, नहीं करूँगी। अरे वैसे भी 2 रुपए का हैंकी है, आपको पता नहीं सदर बाजार से कितने सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है फिर पफ महंगा पड़ता होगा, हैंकी घुसाते होगे सबके बालों में। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, आप गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तो इट्स डन नाउ। अरे आप रुक जाइए ना, अभी आपको इतनी जल्दी क्या लगी है? एक तो मैं वैसे ही इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ऊपर से आपसे ज्यादा जल्दी है ना मुझे, मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, मेरी बेचारी शक्कू याद कर रही होगी मेरी माँ आएगी। हाँ है वैसे वो मेरी सास, लेकिन वो मुझे माँ जैसे एकदम ट्रीट करती है। हाँ, क्योंकि आप भी राधे राधे ही है ना, आप भी राइट। हाँ, कुछ नहीं बोल सकते आप तो वैसे ही राधे माँ से इतनी इंस्पायर हो गए हैं कि आपको अब सब में राधे माँ या नजर आ रही है। मेरा ना नाम राधे मन है, मन। हाँ, आई मीन मन, एनी हटाना है बस, फिर भी देखो ना कितना मिरेकल आज मेरे साथ, सच में मिरेकल ही हुआ है। मुझे लग रहा है आप ऐसा करिए, आप मेरे यहाँ आए करिए, आपका लक मेरे पार्लर के साथ जुड़ेगा तो मेरे लिए भी, मेरे साथ भी बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल होंगे शायद, हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल होंगे। बट ये जो दुमड़ू सा है ना, मेरे को इससे थोड़ी सी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही जो आपने मेरे सर पे इतना बड़ा दुमड़ू बना रखा है। अरे इतना सुंदर लग रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो, बस इधर वाला हो गया आपका, ये वाला बिल्कुल, आज आपको राधे माई बना के भेजूंगी। थोड़ा सा ऐसे होइए, आपको जैसी नेकलेस पहनाएंगे ना थोड़ी देर में, बिल्कुल आप राधे माँ लगेंगी। जरा वो क्लच देना। 2000 years later. But अभी मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मैं दिल्ली की राधे माँ बन चुकी हूँ। हाँ हाँ, अब बिल्कुल दिल्ली की राधे माँ बन गए। तो फिर आप ये यूट्यूबर का काम छोड़ दीजिए, आप दिल्ली की राधे माँ ही बन जाइए। हाँ, गुड आइडिया ना, फिर मेरे पास भी जैगुआर होगी, सारी शोहरत होगी, नाम होगा, पैसा होगा। अच्छा, मतलब आप भी मानते हो कि राधे माँ बन के आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, इवन करोड़पति क्या, आप अरबपति बन सकते हो, अरबपति खरबपति। हाँ है ना, बिल्कुल। तो फिर आप ये यूट्यूबर वाला काम छोड़ दीजिए, सीरियसली आप अब आज आप जा ही रहे हो, अब आपको वहाँ पर देखना कितने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, फिर आप है ना राधे माई बन जाना। यही करूँगी मैं, यही बेस्ट मुझे लग रहा है ऑप्शन। और फिर मैं ना सबसे पहले ना अपने ससुर को भेजूंगी आपके पास। हाँ। उनके पास अब शकुंतला मेरी सास तो है नहीं। हाँ। तो वो अपना एंटरटेनमेंट कहाँ करेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, आशीर्वाद के लिए भेज देना, लाइक मैं उनको आशीर्वाद दे दूंगी। हाँ, अरे मैं भी उसी उसी को चाहिए होता आशीर्वाद। सो अब ये हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, अब आपकी चूड़ियाँ मैंने पहना दी हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं आपकी चूड़ियाँ, देखिए आप ये वहाँ से लेके आए हैं चूड़ियाँ। हो गया, यानी कि अब डन, इट्स डन। हाँ हाँ हाँ, अब कोई कमी की पेशी तो नहीं बची है? ओके, नहीं कमी पेशी कुछ नहीं है। आप ये लीजिए, आप ये शीशा ले लीजिए एक बार, आप देख लीजिए, आप बिल्कुल परफेक्ट राधे माँ लग रही हैं, और आज आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट आने वाले हैं। बस मुझे तो ऐसे सपने आ रहे हैं अभी खुली आंखों से कि मेरे नाम पे फार्म हाउस आने वाले हैं। आई मीन ये तो बहुत ज़्यादा लाली पोत लग रही है। अरे ब्लश देख रहे हो, ये मेरे जॉ लाइन तक पहुँचने वाला है। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, या आप ही को ऐसा फील हो रहा है? ठीक है फिर, थैंक यू। बिल्कुल आप राधे माँ लग रहे हैं। अब लग रही हूँ मैं बिल्कुल तो जैसा मारा। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ले लीजिए आशीर्वाद, धन्यवाद। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ राधे माँ सी। ये जो एक तुम बड़ा सा मेरे सर पे बना दिया है इन्होंने, और उसके बाद ये टैकी सा मेकअप एंड
बाकी क्या कहूँ, आप रेट करें इस वीडियो में कि कैसा लगा आपको, और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।